जय परशुराम। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए वैशाख मास के द्वितीया पर परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी के स्वभाव से बहुत ही क्रोधित माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके अंदर ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रियों के गुण थे। आइए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में कुछ ऐसे ही कुछ रोचक बातें। वैशाख मास की तृतीया तिथि के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतार हुआ था, इसीलिए हर साल वैशाख मास की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम जी को आवेश अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम जी की कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिससे मालूम होता है कि परशुराम जी अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे। साथ ही कथाओं से मालूम होता है कि परशुराम जी अमर है और सृष्टि के अंत तक वे धरती पर विराजमान रहेंगे। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेकर आई है? जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। क्या आपको पता है कि भगवान परशुराम का नाम क्या था और भगवान परशुराम नाम क्यों पड़ा? आइए जानते हैं। भगवान परशुराम जी का मूल नाम राम है। इन्हें ऋषि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्न्य भी कहा जाता है, लेकिन ये परशुराम जी के नाम से अधिक विख्यात है। परशुराम जी भगवान शिव के भक्त और शिष्य भी हैं। इनकी भक्ति योग्यता को देखते हुए भगवान शिव जी ने इन्हें विद्युदेवी नामक अपना परशु प्रदान किया था। सदैव परशु धारण करने के कारण ये जगत में परशुराम नाम से विख्यात है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र किसके पास था? भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कब और कहां मिला? आइए जानते हैं। भगवान विष्णु ने जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिया तब परशुराम जी और भगवान श्री कृष्ण की भेंट उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर वापस अपने घर लौटने की तैयारी में थे। उस समय परशुराम जी ऋषि संदीपनि के आश्रम में पधारे और भगवान श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र लौटाते हुए कहा कि अब ये युग आपका है, आप अपना ये सुदर्शन चक्र संभालिए और धरती पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है, उस भार को कम कीजिए। आप सभी को पता होगा कि भगवान परशुराम को अमरता का वरदान है। क्या आपको ये पता है कि उनको ये वरदान कहां से और किसने दिया था? आइए जानते हैं। ऐसी कथा है कि सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तब पृथ्वी कांप उठी थी। परशुराम जी को पता चला कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। इस पर मन की गति से चलने वाले परशुराम जी तुरंत महाराजा जनक के दरबार में पहुंचे और शिव जी का धनुष तोड़ने पर भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भगवान राम ने परशुराम जी के ये आभास कराया कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम का रहस्य जानने के बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और भगवान श्री राम ने उनके अहंकार का नाश किया। साथ ही भगवान राम ने परशुराम जी को अमर रहने का वरदान देते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप मेरे अगले अवतार होने तक मेरा सुदर्शन चक्र संभाल कर रखें। अगले अवतार में मुझे इसकी आवश्यकता होगी तब आप मुझे ये लौटा देंगे। ये कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसे ही रोचक बातों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय परशुराम।